हरे कृष्णा। मॉर्निंग जपान सेशन में आने वाले सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का श्रील प्रभुपाद जी का कोट है 1969 कोलंबस। इफ कृष्णा डज नॉट सप्लाई यू दिस लाइट सनलाइट यू विल डाई बट ही डज नॉट चार्ज एनीथिंग बट बिकॉज यू आर ह्यूमन बीइंग यू शुड ट्राई टू रीपे। Oh, Krishna is giving us so much facilities. Let me render some service unto him. This is Krishna consciousness. This is to acknowledge, oh God, you are so kind. You are giving so many things. So I have collected this fruit. It is your fruit. I know. Still, please accept. इसका हिंदी में अनुवाद है, यदि श्री कृष्ण सूर्य प्रकाश नहीं देंगे तो आप मर जाएंगे, किंतु वे उसके लिए कोई धन नहीं लेते, परंतु चूंकि तुम मनुष्य हो तुम्हें बदले में उन्हें कुछ देने का प्रयास करना चाहिए। ओह श्री कृष्ण इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, इसलिए मुझे भी उनकी कुछ सेवा करनी चाहिए। यह कृष्ण भक्ति है, हमें इसका अनुभव करना होगा। हे भगवान, आप इतने दयालु हैं, आप इतनी सारी चीजें दे रहे हैं, मेरे पास यह फल है, मैं जानता हूं कि यह आपका फल है, फिर भी कृपया इसे स्वीकार कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन प्रणाम रोगी। इस कोटेशन में श्री प्रभुपाद ग्रेटिट्यूड की बात कर रहे हैं, कृतज्ञता की बात कर रहे हैं, जो एक मनुष्य का बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, होना चाहिए। हमारे लिए कोई भी कुछ करता है तो हमें उसका कृतज्ञ महसूस करना चाहिए, उसका धन्यवाद करना चाहिए। और यहाँ तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए क्या क्या करते हैं। जो लाइट हीट जो हमें सूर्य से मिलती है, ये कृष्ण की कृपा है। हमें जो सांस लेने के लिए हवा मिलती है, ये भी भगवान का अरेंजमेंट है। पानी, वो भी भगवान का अरेंजमेंट है। खाद्यान्न जो भी हमें मिलते हैं, पृथ्वी से उगते हैं, फलों वृक्षों में मिलते हैं, वो सब हमें भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। तो हमें ये महसूस करना चाहिए कि हम कितने कृतज्ञ हैं भगवान के, भगवान कितने कृपालु हैं, और इसलिए उनकी इस कृपा का हमें महसूस करते हुए प्रत्युत्तर देने के लिए कुछ करना चाहिए। रूपा जी बताते हैं यही कृष्ण भावनामृत है, यही कृष्ण भक्ति है। जब हमें महसूस करें कि कृष्ण हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिए, और बदले में हम जो भी हम थोड़ा बहुत कर सकें हमें करना चाहिए। वास्तव में हर चीज उन्हीं की दी हुई है। रूपा जी एक फल का उदाहरण देते हैं कि हियर इज वन फ्रूट। ये फ्रूट कौन बनाता है? भगवान की दया से ही, उनके अरेंजमेंट से ही फल लगते हैं पेड़ों पर, ये उन्हीं के हैं। ईशावाश्यम इदम सर्वम यत्किंचात जगत जगताम जगत, जो कुछ भी भगवान का इस सृष्टि में है वो सब भगवान का ही है। लेकिन प्रभुपाद जी एक और लेक्चर में बताते हैं, यदि हम गंगा जी में स्नान करते हैं और थोड़ा सा गंगा जल अंजलि में लेकर गंगा जी को अर्पण करते हैं तो गंगा पूजन हो जाता है, उन्हीं की वस्तु उनको समर्पित करते हैं। लेकिन भावना की बात है। एक और उदाहरण कई बार प्रभुपाद जी देते हैं, जैसे पिता ने बच्चों के लिए सब कुछ प्रोवाइड किया है, छोटे बच्चे को पिताजी टॉफी का पैकेट ला कर देते हैं, उसमें से वो दो टॉफी यदि पिताजी को देता है तो पिताजी बहुत खुश होते हैं। पिताजी उसके लिए डब्बे का डब्बे ला के दे सकते हैं, ही इज इन दैट पोजिशन, लेकिन क्योंकि प्रेम से उस बच्चे ने दिया है तो पिताजी बहुत प्रसन्न होते हैं। ये जो कृतज्ञता है, ये एक बहुत बड़ा
गुण है। और ये हमें भगवान जब अलग अलग अवतारों में लीला करते हैं उसमें भी देखने को मिलता है। श्री राम, उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की, उनके साथी कौन थे? भालू और वानर थे। उनको सबको इकट्ठा करके श्री राम कहते हैं कि आपके बल से मैंने रावण को जीता है। राम भगवान है, वो सब कुछ स्वयं कर सकते हैं, लेकिन जो वानरों ने उनकी सहायता की उसको एप्रिशिएट कर रहे हैं। हनुमान जी जब सीता जी की खोज कर कर आए, भगवान उनका आलिंगन प्रदान किया और कहा कि मैं तुम्हारे इस उपकार का बदला चुका नहीं सकता, तुम्हारे आग से आग मिला के नहीं देख सकता मैं, इतना तुम पर मुझ पर उपकार किया। लेकिन हनुमान जी ये नहीं सोचते कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, वो तो कहते हैं भगवान मैंने क्या किया है, जब मैं गया तो आपकी मुद्रिका अंगूठी मेरे पास थी, उसके कारण मैं समुद्र पार कर सका, जब आया तो सीता माता ने मुझे चूड़ामणि दी, उसके द्वारा मैंने ही किया। लेकिन भगवान कृतज्ञता व्यापन करते हैं। श्री कृष्ण गोपियों को कहते हैं कि हे गोपियों, तुम्हारे प्रेम का बदला मैं नहीं चुका सकता, तुमने मेरे लिए इतना कुछ त्यागा है, अपना घर, अपना परिवार, लोक धर्म, वैद धर्म, वैदिक धर्म, सब कुछ छोड़कर तुम मेरे लिए आई हो, तो तुम्हारे प्रेम से मैं उऋण नहीं हो सकता। यदि मुझे ब्रह्मा जी की आयु भी मैं ले लूं और जो मेरे पास है सारा कुछ प्रतिदिन तुम्हें देता रहूं, और भगवान के पास है क्या नहीं, भौतिक और आध्यात्मिक सारी सृष्टि उनकी है, कहते ये सब कुछ मैं तुम्हें देता रहूं ब्रह्मा जी की आयु पाकर, तो भी मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता, तुम अपनी भक्ति से अपने प्रेम से ही संतुष्ट रहो। चैतन्य महाप्रभु वो गया में उनका कृष्ण प्रेम उजागर हुआ, प्रकट हुआ। गया जाने से पहले चैतन्य महाप्रभु प्रकांड पंडित थे, वो उन्हें औरों को हराना अच्छा लगता था, केशव कश्मीरी को जो विश्व विजयी थे शास्त्रार्थ में उन्हें उन्होंने हराया था, लेकिन महाप्रभु गए गया पिताजी का श्राद्ध करने के लिए, वहां उन्होंने भगवान विष्णु के चरणों का दर्शन किया और दर्शन के फलस्वरूप उनकी भेंट ईश्वरपुरी जी से, तो उनसे उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा के बाद उनमें अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। जब वो लौट कर आए तो हर समय वो भगवान का नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस महामंत्र का जप करते रहते थे, रोते रहते थे, नाचते रहते थे। तो वहां जो नदियावासी थे जिन्होंने देखा नवदीप में इसको क्या हो गया है, वैद्यों को बुलाया, वैद्यों ने कहा कि उसे वायु रोग हो गया है, सची में ये बहुत चिंतित हुई। उसने उनके मित्र श्रीवास पंडित को बुलाया जो एक बहुत बड़े भक्त है, जब श्रीवास पंडित से उन्होंने कहा कि देखो इसको क्या प्रॉब्लम है, श्रीवास पंडित ने जब देखे उनके लक्षण तो उन्होंने कहा कि इन्हें कृष्ण प्रेम हो गया है, ये कोई रोग नहीं है, ये तो सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। महाप्रभु ने जब ये बात सुनी उन्होंने श्रीवास का धन्यवाद किया कि श्रीवास यदि तुम ये कह देते कि मुझे वायु रोग हो गया है जैसा कि बाकी लोग कह रहे हैं तो इसी समय मैं गंगा में कूद कर प्राण त्याग कर देता, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, तुमने मुझे बचा लिया। महाप्रभु के पास जब वो महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे तो नवदीप से हर वर्ष 200-250 भक्त आते थे उनका दर्शन करने के लिए, रथ यात्रा में भाग लेने, और 4 महीने चतुर्मास से वो वहां रहते थे, पुरी में रहते थे, महाप्रभु का संग प्राप्त करते थे। कि महाप्रभु ये महसूस करते थे कि मुझे संग प्रदान करते, और जब वो जाने लगते थे
तो उस समय महाप्रभु हर किसी से गले लगकर मिलते थे, उन्हें हार पहनाते थे, उनको विदा करते हुए कहते थे कि आप लोग कितना कष्ट मेरे लिए सहते हैं, आप कितनी दूर से, उन दिनों को यातायात के साधन नहीं थे, पैदल चलकर आते थे, आप लोग कहते तुम कितना दुख उठाकर कष्ट उठाकर यहाँ आते हो, और यहाँ की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, 4 महीने रहते हो, मुझे कितना सुख प्रदान करते हो, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, लेकिन मैं तो एक सन्यासी हूं, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं, मेरे पास केवल एक मेरी संपत्ति शरीर है, इस शरीर को मैं तुम्हें प्रदान करता हूं, तुम जहां चाहो इस शरीर को बेच सकते हो, कृतज्ञता। हम देखते हैं कि किस प्रकार हर महान व्यक्ति, भगवान राम की, कृष्ण की, महाप्रभु ने बात की, कोई थोड़ा सा भी उनके लिए काम करते तो बड़े कृतज्ञ महसूस करते हैं, और हमारे लिए तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या नहीं किया हुआ है, इस शरीर को जीवित, पहले तो शरीर हमें दिया, मनुष्य शरीर दिया, ये भी उनकी कृपा है, और इस शरीर का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, तो वो हमें समझना चाहिए। उसके बाद इस शरीर के पालन पोषण के लिए उन्होंने जो भी वांछित वस्तुएं हैं, रूपा जी लाइट की बात करते हैं, हवा है, पानी हमने बताया, फल है, फूल है, वो सब कुछ उन्होंने दिए, भौतिक इसको बनाए रखने के लिए भौतिक रूप में बताया, और साथ ही साथ उन्होंने हमें अपने पास बुलाने के लिए भगवत धाम, जो हमारा वास्तविक स्थान है, जहां से हम गलती करके आ गए हैं और इस जगत में कष्ट उठा रहे हैं, वहां वापस बुलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। वो स्वयं अवतार धारण करते हैं, अपने पार्षदों को भेजते हैं ये संदेश देने के लिए, और ग्रंथों की रचना करते हैं। तो हमें ये महसूस करना चाहिए कि श्री कृष्ण की हम पर कितनी अनुकंपा है, कितनी कृपा है। वी आर इटर्नली इंडेटेड टू कृष्ण, हम सदा सदा के लिए भगवान श्री कृष्ण के ऋणी हैं। जितना भी हम उनका कृतज्ञता ज्ञापन करें वो कम है, पूरी हो नहीं सकती। इसी प्रकार श्री प्रभुपाद, उन्होंने हम पर कितनी कृपा की है, कितना कष्ट उठाकर वो 70 साल की अवस्था में अमेरिका गए, बिना किसी पैसे के, बिना किसी सहायता के, और पहले 1-2 साल तो उन्होंने कितना कष्ट उठाया, किस लिए, ताकि विश्व के लोग जो भगवान से विमुख हैं वो भगवान की ओर आए और जीवन का लक्ष्य प्राप्त करके सदा सदा के लिए ज्ञान में शाश्वत आनंद प्राप्त करें। तो हमें भगवान का कृतज्ञ होना चाहिए, प्रभुपाद जैसे कहते हैं उनकी हमें आराधना करनी चाहिए, अच्छी तरह से आराधना करनी चाहिए, ये समझते हुए कि उनकी हम पर कितनी कृपा है, और साथ ही साथ हमें उनके भक्तों का भी कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि उनके बारे में हमें भक्त बता रहे हैं, प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं श्री कृष्ण के बारे में, और प्रभुपाद जी के शिष्य हमें बता रहे हैं प्रभुपाद जी के बारे में, भगवान के बारे में। हमें वैष्णवों का और भगवान श्री कृष्ण का दिल से कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञता ज्ञापन करनी चाहिए। कृतज्ञ एक ह्यूमिलिटी का सिम्टम है, जो व्यक्ति हम्बल होगा वही कृतज्ञ महसूस करेगा। तो हम भगवान की जैसे भी हो सके हम भक्ति करें, ये कृतज्ञता ज्ञापित हो सकती है। अश्रुपाद जी ने हमें सरल उपाय बताया इसके लिए कि हम भगवान को भोग लगाए, कुछ भी खाने से पहले भगवान को अर्पण करें, 16 माला का जप करें, 4 नियमों का पालन करें, उनकी कथा सुने, उनकी कथा कहें, औरों को ये उपदेश दें, क्योंकि इससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। हम कई बार हम बताते हैं कि जब उनसे बिछड़े हुए आत्माएं, जीवात्माएं उनके पास जाती हैं, जाने लगती हैं, तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है। ये सब कार्य करके हम अपनी कृतज्ञता का ज्ञापन कर सकते हैं, जो बड़ा प्रैक्टिकल है, सरल है। शिल्पोपाध जी की कृपा से हमें ये उपलब्ध है।
जैसे हम समझें, अपनाएं, फिर हमारे जीवन की सार्थकता है। हम निश्चित रूप से प्रभुपाद जी की, चैतन्य महाप्रभु की और कृष्ण की कृपा प्राप्त करेंगे और फिर इस भौतिक जगत से जो दुखों से भरा हुआ है, देखते हैं प्रतिदिन, आजकल विशेष रूप से देख रहे हैं इस कोविड के कारण, कोरोना के कारण इतने कष्ट हैं, इन कष्टों से सदा सदा के लिए हमें छुटकारा मिल जाएगा। भगवान के धाम में उनके साथ हम रहेंगे, शाश्वत ज्ञान में, आनंद में जीवन व्यतीत करेंगे। तो केवल हम उनके प्रति कृतज्ञ रहें, कृतज्ञता को ज्ञापित करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे, इस महामंत्र का जप करके और नियमों का पालन करके जो हमें इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने बताया। हरे कृष्ण, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर मैसेज दिया कि हम सब के ऊपर भगवान की और भगवान के भक्तों की असीम कृपा है, इसलिए हमें सबको इनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए और कृतज्ञता हमें व्यक्त करने के लिए भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, हरे कृष्णा।